सो हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड डार्लिंग सुफियान और आज हम जा रहे हैं मुंबई। मतलब कुछ पर्सनल रीजन से यार इसलिए मुंबई जा रहे हैं आज। और क्या बताया आपको आज के बारे में कि ये मेरी इस महीने की शायद तीसरी या चौथी जर्नी है और कुल 3 महीने से मैं जर्नी की जा रहा हूँ। बोल क्या पता यार जिंदगी का किस मोड़ पर ले जाए। इसलिए तो चलिए आज आपको न्यू ब्लॉग, मैंने सोचा आपके लिए आज न्यू ब्लॉग लाया जाए। इसलिए आपके साथ हम जाएंगे मुंबई, जो कि हमारा फेवरेट रूट है। हुजूर साहिब नांदेड टू पनवेल, यानी मेरा ये फेवरेट रूट है क्योंकि नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि बीच रास्ते में लोनावाला लगता है, खंडाला लगता है, और लोनावाला और खंडा के नज़ारे के बारे में आपको तो क्या बताया जाए यार। अगर से जिसने मेरा लोनावाला का ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्लॉग देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और काफ़ी एक्साइटमेंट आएगा और आपका काफ़ी दिल कहेगा कि आप लोनावाला जाए घूमें। बट क्या किया जाए यार, ये तो किस्मत के हाथ में। आज मेरा भी यार कुछ ऐसे ही प्लान बन गया था। मैं मेरे शॉप पर था कि जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने एक शॉप खोली है मॉडल शूज, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम जा रहे हैं मुंबई और कल की रिटर्न की टिकट मैं देवगिरी से करूंगा, जो कि मैं आपको देवगिरी ट्रेन का ब्लॉग बना के बता दूंगा। क्योंकि जो नंदीग्राम ट्रेन है उसका तो मैंने ब्लॉग बता दिया, बस बची है देवगिरी और राज्यरानी। तो राज्य रानी का फिर कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। जैसा कि मेरे पीछे ही खड़ी है राज्य रानी, ये नांदेड़ से निकलती है कुल 10 बजे और 70 बजे शिवाजी टर्मिनल पहुँचती है कुल सुबह 10 बजे, मतलब टोटल 12 घंटे लेती है ट्रेन। और जो कि हमारी ट्रेन है पनवेल, वो अभी तक आई नहीं है, बस देखा जाए यार उसका, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। अभी तो ट्रेन को काफ़ी टाइम है, वैसे तो कुल 30 मिनट्स बाकी अभी ट्रेन के टाइमिंग को। इसलिए अभी हम चैन के साथ बैठे और मैं 2 बजे घर से निकला था, यहाँ पर हम आ चुके 4:30 बजे। उसमें मैंने खाना वगैरह खाया होटल पे और फिर सीधा आया मैं रेलवे स्टेशन, और अभी हम ट्रेन में बैठेंगे फिर आपको लेके जाएंगे। तो तब के लिए एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय। तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं अपने ब्लॉग में, मेरे साथ बने रहिए डार्लिंग सुफियान ब्लॉग्स में। तब के लिए बाय। हेलो गाइस, फाइनली आज हमारी 101 जर्नी है, मतलब 100 जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और आज है 101, मतलब कुल 100 जर्नी अब तक कर ली है मैंने और आज की मिलाकर 101 जर्नी करने जा रहा हूँ। और 101 जर्नी भी मुंबई के लिए खास, और फर्स्ट जर्नी भी मेरी मुंबई के लिए थी। ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट है, इसे मैं यादगार बनाना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ ट्रेन के अंदर, बट ट्रेन आई नहीं है और ट्रेन का कुल टाइमिंग तो हो चुका था बट ट्रेन अभी तक आई नहीं है, इसलिए चेक करते कब तक ट्रेन आती है, कब तक नहीं। और बस जैसे तो हम हमेशा जाते हैं मुंबई पर, आज कल कुछ स्पेशल है इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कल, और आप मुझे कमेंट में मत पूछना वो क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट एंड जल्द बताऊँगा। बस इंतज़ार कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज से, यानी मतलब गर्लफ्रेंड का नहीं है या फिर शादी का नहीं है, ऐसा समझ रहे होगे आप शादी वगैरह होगी मेरी, बट ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं पहले डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, आप सिर्फ देखना चाहें आपको बताना चाहूँगा मैं। और अभी लगता है हमारी ट्रेन भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन आ रही है, तो चलिए देखते हैं और आपको मिलता हूँ मैं ट्रेन के अंदर। बता दो मेरा सीट कौन सी इस बार, और ट्रेन तो हमारा वही रहता है क्योंकि मेरा फेवरेट रूट यही है नांदेड़ टू पनवेल, क्योंकि हम दूसरा रूट से जाता नहीं है। हाँ, आते टाइम हमारा रूट चेंज हो जाएगा क्योंकि आते टाइम हम 7:30 की गाड़ी चाहेंगे, मतलब सॉरी 9:30 की गाड़ी चाहेंगे देवगिरी से, और उसका टिकट मैंने अभी जस्ट बना लिया है। स्लीपर तो मिला नहीं यार, इसलिए मैंने सोचा सिटिंग में ट्रैवल किया जाए। स्लीपर तो काफ़ी कर लिया, तो सोचा मैंने सीटर में ट्रैवल किया जाए आते टाइम पर। और अभी फ़िलहाल तो मेरा स्लीपर है जो S12, तो जैसा हमारा आगा ये पीछे देख सकते हो कि आप हमारी गाड़ी आ रही है, तो चलिए आप गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।
हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड डेस्टिन सियान और अभी है मैम परली बट यहाँ पे अभी होगा हमारा इंजन चेंज और अभी आएगा हमारे पीछे ट्रेन के पीछे आगे इंजन लगेगा। ये तो सभी को पता है यार, बट बताना तो पड़ता है यार कि ब्लॉग बनाना कुछ आसान चलते है नहीं। जैसा कि आप देखिए, मैं ब्लॉग तो बनाता ही रहता हूँ बट क्या किया जाए, तो कुछ कोशिश कर करके मुझे मुश्किल से 50 या लाइक्स आते हैं। क्या कहना चाहूँ इस बारे में, शायद किस्मत में ऐसा ही होगा क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं। चाहे कुछ भी हो, लाइक्स मिले या ना मिले, कमेंट्स आए या ना आए, सब्सक्राइबर मिले या ना आए, पर ब्लॉग बना तो नहीं छोड़ेंगे हम। फिर जो भी मेरा ब्लॉग देखता है वो तो खुश रहता है, इसलिए ब्लॉग बनाना तो नहीं छोड़ूंगा यार मैं। और अभी जो इंजन है हमारा वो अगले स्टेशन पे और चेंज होगा, जो है लातूर रोड, और उसके बाद आता है लातूर, मतलब दो स्टेशन है। कोई कोई कुछ लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लातूर पर दो बार गाड़ी कैसे रुकती है, बट ऐसा नहीं है, एक लातूर रोड है और एक लातूर है, इसलिए आपका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं लातूर तो सिर्फ एक स्टेशन, कैसे क्या दो हो चुके हैं, और ये इस ट्रेन का रूट है उस्मानाबाद, यानी लातूर के बाद उस्मानाबाद भी लगेगा इसमें, ये आपने ठीक सोचा। कुरुद्वाड़ी, पुणे, चिंचवड़ होते हुए लोनावाला, खंडाला, फिर जाके पहुँचेंगे हम पनवेल। बट अभी हम इंजन की राह देख रहे हैं ताकि इंजन हमें दिखे, उसका वीडियो ले और हम ब्लॉग कंप्लीट करें। बट क्या बोले यार, इंजन को तो भी टाइम, इसलिए शायद जल्दी लाके लगेगा नहीं, बट पूरा ट्राई तो मैं करूँगा आपको कि मेरा ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और मुझे कुछ लोगों ने कहा है भाई आपकी थीम लाइन थोड़ी अच्छी कर लो, उनसे भी मैं रिकमेंड करूँगा भाई कि मैं थीम लाइन काफ़ी अच्छी कर लूँगा, अपना दिन समझ लिया करो। बट अभी जो स्टेशन, तो आप स्टेशन का व्यू बताना चाहूँगा यार मैं आपको, तो तब एक मिनट से आपको स्टेशन का व्यू बताऊँगा मैं। और गाइस ये हमारी ट्रेन, जैसा देख सकते हो भैया, और जो साहेब नांदेड़ टू पनवेल, ये है द्वितीय श्रेणी, मतलब लास्ट का सेकंड क्लास DL2, और हमारा क्लास है जो है कुछ ज़्यादा ही सामने, ये है D2, और इसके आगे आता है H1, यानी उसमें कैबिन्स रहते A1 AC। और स्टेशन का व्यू तो देखिए यार, काफ़ी ब्यूटीफुल है, और इस स्टेशन पे लिफ्ट वगैरह सभी है, देख सकते होंगे आप। वाह यार क्या ब्यूटीफुल है, और सामने ये देख सकते होंगे आप, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा झाड़ से घिरा हुआ है, और ये देख सकते होंगे आप बैठने के लिए, वाह क्या बात है यार। और ख़ास यार ये है स्पेशल झाड़, इसलिए ख़ास बोलते हैं झाड़ लगाओ, झाड़ है तो जहाँ है यार। और ये यहाँ पे है लिफ्ट, इसे आप देख ही सकते हो गई, वाह यार, और ये रूल्स हिसाब से पढ़ना है यार। ये AC और वो है हमारा स्टेशन, इंजन तो अभी लगा नहीं है गाइस, बट चलिए आपको मैं इंजन की तरफ ले चलता हूँ और इंजन बता देता हूँ आपको। तो गाइस अभी हो रहा है इंजन चेंज, और अभी जस्ट है मेरे सामने इंजन। बट गाइस इंजन चेंज होते हुए ट्रेन में मेरी बहुत वाट लगने वाली है, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा, डब्बा मेरा काफ़ी लास्ट में जा चुका है, इसलिए मेरे को बहुत ज़ोरों से भागना पड़ेगा जैसे इंजन बैठ जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो शायद मेरा ट्रेन मिस भी हो जाए। बट मैं अगर से ट्रेन मिस होने लगा तो मैं शायद जनरल क्लास में घुस जाऊँ, तो देख सकते यार गाइस आपके लिए कितनी मेहनत करते हो, आप एक लाइक नहीं करते हो यार, बस एक लाइक की बात है यार,
एक लाइक क्या करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं। तो जस्ट अभी इंजन आ रहा है पीछे से, जैसा कि देख सकते हो कि आप, बट आई नो एंड लातूर का स्टेशन चेंज होगा इंजन। उधर जाता हूँ फाइनली गाइस, अभी स्टेशन को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है ये वाले भी, और अभी हम परली से निकल चुके हैं। 8:33 को हम निकल चुके हैं परली से। अरे साहब स्टेशन देख सकते हो यार, कितना ब्यूटीफुल स्टेशन है। ये देख सकते हो कि आप, वाह यार क्या ब्यूटीफुल स्टेशन है। और स्टेशन काफ़ी बड़ा है यार, छोटा स्टेशन भी नहीं है। सो गाइस देख सकते हो आप कितना लंबा स्टेशन है। नाइट का सीन कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है यार मुझे तो। और ये जगह का फ्लाई ओवर, ये और हमारी ट्रेन हो रही है रोटेट। अगर ये ट्रेन की बात किया जाए तो ये ट्रेन के अंदर का इंटीरियर, और ये मिरर जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉश बेसिन, मतलब कुछ चेंजेस काफ़ी अच्छे किए। यहाँ पे देता है एक लाइट, यहाँ पे एक नल जिसको पुश करें, बट पानी तो है नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए स्पेशल रेलवे के। और टॉयलेट बताना चाहूँगा, बट टॉयलेट में अभी कोई है तो चलिए आपको मैं मेरा सीट बता देता हूँ। और ये हमारे ट्रेन का इंटीरियर, और जैसे कि आपको बताया था मैंने, ये हमारा बर्थ 38 अपर, जैसा 3 सीट था उसमें से 2 सीट मैंने कैंसिल कर दिया है।
और मेरा सिंगल सीट बचा है। तो मैंने इंटीरियर वगैरह बता दिया और अगले स्टेशन पे एक और इंजन चेंज होगा, तो वही वीडियो मैं आपको बता दूंगा फुल। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए डैजलिंग स्पीड व्लॉग्स में। आपको मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट स्टेशन लगभग पर। तब तक के लिए बाय एंड सी यू। तो पहले का ये सभी हम आ चुके हैं लातूर रोड जंक्शन और ये हमारे सामने कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस आप लोग देख सकते होंगे। और अभी जैसा ये है एसी चेयर कार A1 सॉरी एसी चेयर कार ही बोल रहा हूँ मैं, ये एसी स्लीपर। बाहर वो है हमारे फैमिली मेम्बर ड्राइवर। जैसा देख सकते हो कि आप भीड़ कितनी ज्यादा है। अल्लाह रोड जंक्शन हम आ चुके फाइनली। तो और शायद ये अब तक की हमारी इस रूट पर पांचवी या छठी जर्नी होगी। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं लातूर रोड जंक्शन, मतलब इस बार कुल 7 या 8 बार स्टेशन पर आ चुका होगा शायद मैं, क्योंकि हर बार रूट मेरा इसी से रहता है या फिर औरंगाबाद साइड से रहता है। ज़्यादातर तो मैं इसी रूट पर जाता हूँ क्योंकि नज़ारे के लिए ये रूट मुझे काफ़ी पसंद आता है, जैसा लोनावाला और खंडाला। और यहाँ पर अभी होगा हमारा इंजन चेंज और अभी लगा है पीछे इंजन, तो अभी जाके लगेगा इस साइड मतलब सामने में और इधर से हमारी गाड़ी जाएंगी अब लातूर। और ये ट्रेन निकल चुकी है कोल्हापुर नागपुर। ये देख सके होंगे आप, ये है कोल्हापुर नागपुर ट्रेन जो कि मैं काफ़ी जल्द इसमें भी ट्रैवल करूँगा। और इसमें तो क्या कहा जाए यार, शायद आज की मेरी इसमें 8वीं जर्नी है। और फाइनली आज हमारे 101 जर्नी कंप्लीट हो चुके हैं और आने में हमारी होंगी 102वीं जर्नी। क्या ही बता जाए यार आपको। अभी हमारा लोकोमोटिव निकल चुका है यहाँ से और अभी जाके लगेगा सामने, और सामने लोकोमोटिव लग के पता नहीं यार यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ किस लिए है, शायद टिकट चेक कर रहे होगे। चलो ये बात तो अच्छी है, टिकट वगैरह चेक कर रहे हो इनो। और ये रहा हमारा WDP40 जो कि बिलोंग करता है कल्याण से। और यहाँ पे यार कुछ मौसम ही ठंडा है यार, क्या बताया जा रहा आपको। और यहाँ पे मौसम इतना ठंडा है यार, क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे इतनी ठंड बढ़ रही है कि आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूँ मैं, क्या बताऊँ यार, क्योंकि आप तो महसूस कर ही नहीं सकते हो, इसलिए आपको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ मैं। बट यार अभी शायद मेरा फोकस मेरे फेस पर आ रहा है, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, मेरा फेस ब्लैक ब्लैक थोड़ा लग रहा होगा। बट अभी नहीं, सिर्फ 2 ही मिनट में मेरा फेस हो रहा वाइट दिखेगा आपको, ब्लैक नहीं। और अभी हम जाएंगे सामने की तरफ, आपको फिर से एक बार लोकोमोटिव बता दूंगा मैं, ये लोकोमोटिव चेंज होगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, बस एक लाइट हम दो। तो चलिए अभी हम जाते हैं सामने की ओर। और यहाँ पे ठंड जो है काफ़ी बढ़ती ही जा रही है, उस बारे में तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। और जैसा मेरे पास से चुअन कोस, इसमें भी काफ़ी जल्द व्लॉग आने वाला है मेरा। काफ़ी ठंड है यार यहाँ पर, इतनी टी शर्ट मोड़ी पहन कर भी मुझे काफ़ी ठंड हो रही है।
शायद मुझे कुछ लाना चाहिए था, जैकेट वगैरह। मैंने जैकेट भी नहीं लाया एक तो मेरा, क्या ही बताया जाए। इतनी गड़बड़ में निकल गया मैं कि मेरा जैकेट वगैरह सब कुछ मैं घर छोड़ आया। बट गाइस, काफ़ी लंबी ट्रेन है हमारी, अभी सामने ही जा रहे हैं हम। अभी वैसा हमारा कुछ तो आ चुका है S12, ये हमारा कोच है S12, और अभी हम फ्रंट पे जाएंगे। काफ़ी ठंड होती है यार, अभी फ्रंट पे जाकर मैं आपको लोकोमोटिव बताऊंगा। और अभी हम कुछ खाएंगे यार, और अभी भूख भी लगी है एक तो, इसलिए अभी जाकर कुछ मैं चटाईदार मसालेदार जाकर खाऊंगा। चल देखते हैं अभी क्या मिलेगा गर्मा गर्म। शायद मुझे गर्मा गर्म कुछ खाना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं कैंटीन में तो क्या मिलेगा, बात देखता हूँ अभी कैंटीन में जाकर क्या है गर्मा। तो चलिए आपको लास्ट में मिलता हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं, देख। सो गाइस, इंजन आ चुका है WDP4D जो कल्याण से बिलोंग करता है। और अब ये घूमकर ऐसा जाएगा, फिर रिटर्न आएगा और इस इधर चिपक जाएगा। हेलो गाइस, अभी हम हैं लातूर। पीछे थे लातूर रोड जंक्शन और अभी हम आए हैं लातूर। यहाँ पे हमारा है 5 मिनट का हॉल्ट। तो अभी देखते हैं कब तक तो गाड़ी रुकती है। बस वैसे तो 5 मिनट का ही हॉल्ट है, पर अगर हमें 5 मिनट हो चुके थे, गाड़ी थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है ये, इसलिए हम जल्दी आ चुके हैं। और उसके बाद हम उस्मानाबाद स्किप कर दूंगा मैं, और सीधा आपको मिलूंगा मैं पुणे पे। उस्मानाबाद और कुर्दुवाड़ी जंक्शन शायद स्किप हो जाए, क्योंकि मुझे अब आ रही है नींद, इसलिए मैं वो कर दूंगा स्कीप। और जैसा एक ब्यूटीफुल व्यू बताता हूँ आपको मैं, तो चलिए बताता हूँ। जैसा मून दिख रहा होगा आपको गाइस, आपको फुल जूम करके बताऊंगा मैं। बट उतना भी दिखेगा नहीं यार आपको, और हमारी ट्रेन ये आपको तो पता ही है। ये स्टेशन काफ़ी बार बताया यार आपको मैंने स्टेशन ये। तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं सीधा कुर्दवाड़ी जंक्शन पर। तो हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड डार्लिंग कुकियान। अभी हमें मिरज पर, क्योंकि रूट कुछ चेंज हो चुका है, कुर्दवाड़ी से पुणे आप रूट चेंज है, इसलिए अब हम पनवेल पहुँचेंगे कुल 1:30 या 2 बजे तक। और अभी हम हैं मिरज पर, और मेरे विचार ये वो है छत्रपति महाराज टर्मिनस टू कोल्हापुर एक्सप्रेस। तो मैं भी अभी सुबह उठा था, इसलिए मुझे अभी पता चला है कि रूट चेंज हो चुका है, वरना मैं बुक का ब्लॉग बता देता। और मुझे कंफर्म पता नहीं था, नहीं तो मैं मेरी टिकट कैंसिल करवा देता था पहले। और क्या 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 यार, यही तो बस मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि ना मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। बस अगर ये ट्रेन मिस हो गई तो फिर मुझे कल निकलना पड़ेगा रिटर्न की टिकट। देखते हैं क्या होगा। आप और पीछे हमारी ट्रेन खड़ी हुई, तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं अगले स्टेशन पर। तब तक लिए बने रहिए मेरे साथ डैशिंग से अनब्लॉक्स में। Thank you.
तो गाइस आप जैसा देख सकते हो ये खंडाला। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं अक्सर आपको सुबह का व्लॉग बताता हूँ, बट क्या किया जाए यार, आज ट्रेनें कुछ 5 घंटे डिले हैं तो क्या किया जाए इसमें। थोड़ा सा सिग्नल दे चुकी है हमारी गाड़ी, अब शायद निकल पड़ेगी। ओ निकल गई। अब यहाँ से आपके नज़ारे वगैरह चालू हो जाएंगे, बट आज ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि आज आपके लिए उतने ख़ास नज़ारे नहीं होंगे, क्योंकि जो सुबह के टाइम पे जो नज़ारे मिलते हैं वो नज़ारे अभी नहीं मिलेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं फिर भी क्या होगा। बट यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट होल्ड होना चाहिए था यार मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर खंडाला कर रहे हैं हम पास, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टनल है वो वेरी वेरी कमिंग सून है, और यहाँ पे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको नज़ारे बताने के लिए। और ये रहा खंडाला, तो अलविदा। Thank you.
पहले यहाँ पर आया था तो इतने ब्यूटीफुल, जैसा कि आज इतना ब्यूटीफुल तो है नहीं। गाइस मैं अपना फ्रेंड एजमिन सुफियान और आपके लिए एक ब्लॉग बनाते रहता हूँ, बट आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है यार, क्योंकि मैंने तो करते रहते हो आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन बनिए।